अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल। मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो सिर्फ ऐसे ही खाना नहीं और मैंगो का कुछ बनाना है तो सबसे अच्छा है गर्मियों के मौसम में कि मैंगो आइसक्रीम बना के खाया जाए, जो बहुत ही टेस्टी एंड टेम्पटिंग होता है। इस गर्मियों के सीज़न में अगर मैंगो आइसक्रीम आप इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 मैंगो ले लिया है मैंने, एकदम पका हुआ मीठा आम है ये एकदम, और मैंगो की मैंने ऐसे कटिंग कर ली है और इसकी स्लाइसेस में छोटे छोटे कट कर लिए। इसको मुझे एक बारीक सा पेस्ट पे इसकी प्यूरी तैयार करनी है तो बस इसको मिक्सी जार में ग्रेट कर लिया और एक प्यूरी तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने दूध लिया है तो 1/2 लीटर यहाँ पर दूध है, जो कि एकदम गाढ़ा दूध होना चाहिए, दूध एकदम थिक होना चाहिए। और बस दूध में थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, हल्का सा गुनगुना सा कर लेना है दूध को। जब हल्का सा दूध गुनगुना हो जाए तो इसको थोड़ा सा इसमें कप में आधे दूध को मुझे निकाल लेना है और इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है और दूध को थोड़ा सा बॉयल होने तक के लिए छोड़ देना है। तो इसको अच्छे से चलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पे इसको चलाना है आपको। और दूसरी तरफ चलते हैं। जो मैंने कप में यहाँ पर दूध निकाला है उसमें मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून भर के, मतलब एक पाउच जो आता है मार्केट में मिल्क पाउडर का, वो पूरा ऐड कर लिया है। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और बस इसको अच्छे से मिला देना है। इन तीनों चीज़ों के दूध में अच्छे से गर्म गुनगुना दूध है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया उसके लम्स ना रहें। तो बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है, दूध पूरा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। और बस तीनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेना है और मिला के इस पेस्ट को अभी बाहर साइड में रखना है। दूसरी तरफ चलते हैं। देखिए दूध में बहुत अच्छे से बॉईल भी आ चुका है मेरा और बहुत थिकनेस आ चुकी है दूध में, गाढ़ापन आ चुका है। तो बस जो मैंने यहाँ पे मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था इस मिक्सचर को इसमें शामिल कर लेना है और बस ऐसे हिलाते रहना है, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। तो बस डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली आपको हिलाते रहना है और धीरे धीरे ये 5 से 6 मिनट में देखेंगे आपका एक गाढ़ापन इसमें आ जाएगी, एक थिकनेस आ जाएगी और ऐसा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा बिल्कुल ऐसा। तो आप इसको हिलाते रहिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बस इस तरीके का जैसे ही टेक्सचर आ जाए तो बस आपको निकाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, अच्छा सा घर पे इसको रूम टेम्परेचर में रख के इसको ठंडा किया है और जो मैंगो की प्यूरी रखी थी उसको भी इसमें मिला दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मुझे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया है फूड कलर, तो मुझे थोड़ा सा मैंगो का कलर देना है तो थोड़ा सा मैंने और यहाँ पे जेल फूड कलर ऐड किया है 2 से 3 बूंद। और यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम को जो है ना अच्छे से मैंने यहाँ पे बीट करके रखा हुआ था और बस बीट किए हुए क्रीम को इसमें शामिल कर देना है और बस इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जो बीट करते हैं इससे क्या होता है कि जो आइसक्रीम है वो बहुत क्रीमी टेक्स्चर का बन के तैयार होता है और इसमें जो बर्फ की क्रिस्टल है वो भी नहीं जमने का ये रहता है। तो अब यहाँ पे अच्छे से बीट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप कि बहुत अच्छे से मैंने बीट कर लिया है, अब यहाँ पे और बीट की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा से एक टेक्सचर भी आ चुका है। तो बस यहाँ पे आप चाहे तो कटे हुए आम या फिर अमसठ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, जिससे क्या है कि आइसक्रीम का जो मज़ा है ना वो डबल और दुगना बढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब चलिए इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं जिसमें मुझे आइसक्रीम को जमानी है। तो आप देख पा रहे हैं क्रीमी टेक्सचर पूरा बन के तैयार हुआ है ये। तो आइसक्रीम इसमें रख देनी है और 8 से 10 घंटे के लिए आपको इसको ओवरनाइट डीप फ्रीज़र में इसको छोड़ देना है। थोड़ा सा ऐसे आपको यहाँ पर ठोका लगा लेना है ताकि जो एयर से वो बीच से ये हो जाए और बस इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे आम या फिर अमसठ से आप इसको डेकोरेट ऊपर से कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा से लगेगा देखने में। देख पा रहे हैं मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से अमसठ से डेकोरेट कर दिया है। अब बस इसको कवर करना है और 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में आपको छोड़ देना है इसी तरीके से। तो चलिए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा सा ये पूरा आइसक्रीम जो है जम के तैयार हो चुका है। अब स्कूप की मदद से आपको धीरे धीरे इसको गोला बना के निकाल लेना है एक बॉल में। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सा ये बहुत अच्छे से जम के क्रीमी टेक्सचर आ चुका है इसका। आपको देख के इसमें समझ में आ रहा होगा बहुत ही क्रीमी ये मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है और खाने में भी इतना ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त है। और मैंगो और अमसठ की जो पिलिंग मैंने डाली वो भी दिख रही है, जिससे मुंह में जाके बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आज का मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।